दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट में अपना फोन नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो फेसबुक अकाउंट बनाते समय कोई भी मोबाइल नंबर ऐड कर देते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं और उनका फेसबुक अकाउंट फेमस हो जाता है और वो किसी भी मोबाइल में आसानी से लॉगिन भी हो जाते हैं अपना मोबाइल नंबर और अपना फेसबुक का पासवर्ड डाल करके। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जो नंबर आप अपने फेसबुक अकाउंट में ऐड किए रहते हैं वो नंबर खो जाता है या बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी आप फेसबुक में आसानी से लॉगिन हो सकते हैं क्योंकि आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड याद ही रहता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि वो मोबाइल नंबर हटा करके आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर ऐड कर लेते हैं तो वो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। आप जिस फोन नंबर को यूज कर रहे हैं, अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट में उस फोन नंबर को ऐड कर देते हैं तो उससे ये फायदा होगा कि जब आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड भूल जाइएगा तो आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। आप फॉरगेट पासवर्ड करके आसानी से आप अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। आप पासवर्ड भी भूल जाइएगा तो कोई बात नहीं, इसलिए आपको अपना फोन नंबर ऐड करना जरूरी है। तो दोस्तों, देखते रहिए वीडियो को अंत तक और सीखिए आसानी से अपने फेसबुक अकाउंट से मोबाइल नंबर को चेंज करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रंजन, आप देख रहे हैं टेक्निकल सहारा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इसी तरह के रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक से वीडियोज लाते रहता हूं। अगर आप भी अपने फेसबुक अकाउंट पर से मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को जनरल फेसबुक एप्लीकेशन में ही मोबाइल नंबर चेंज करके दिखाऊंगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि फेसबुक का बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसा कि फेसबुक लाइट, फेसबुक प्रो और बहुत सारे एप्लीकेशन है, इसलिए मैं आप लोगों को जो मोबाइल के साथ फेसबुक एप्लीकेशन देता है उसी एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर को चेंज करके बताऊंगा। सिंपली आपको भी अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को राइट साइड में ऊपर 3 डॉट का लाइन दिख जाएगा। सिंपली आपको इस 3 डॉट के लाइन पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको ऊपर की तरफ स्वाइप करते जाना है। जैसे ही ऊपर की तरफ स्वाइप कीजिएगा आपको सबसे नीचे लॉग आउट के ऊपर सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपको फेसबुक लाइट या फेसबुक प्रो एप्लीकेशन में सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद आप लोगों को सेटिंग के नीचे प्राइवेसी शॉर्टकट का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आपको इस प्राइवेसी शॉर्टकट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको नीचे की तरफ स्वाइप करते जाना है। जैसे ही नीचे की तरफ स्वाइप कीजिएगा आपको सेकंड ऑप्शन में ही अकाउंट सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, अपडेट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपको सिंपली अपडेट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर सबसे ऊपर आपका नेम मिल जाएगा, उसके बाद आप लोगों को ईमेल एड्रेस मिल जाएगा और उसके नीचे आप लोगों को फोन नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा फोन नंबर यहाँ पर ऐड है। अगर आप अपने फोन नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको भी इसी तरह का फोन नंबर दिख जाएगा। सिंपली आपको इस फोन नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फोन नंबर पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि करंट फोन नंबर आपके मोबाइल में कौन सा ऐड है, यानी आपके फेसबुक अकाउंट में कौन सा नंबर अभी प्रेजेंट में ऐड है। आपको यहाँ पर नंबर भी दिख जाएगा और उसके नीचे कंफर्म का ऑप्शन भी दिख जाएगा। उसके लिए आपको अपना फोन नंबर ऐड करना होगा। जिस फोन नंबर को आप ऐड करना चाहते हैं आपको रिमूव के नीचे ऐड फोन नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आपको इस ऐड फोन नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जिस फोन नंबर को ऐड करना चाहते हैं सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना फोन नंबर डाल देना है। जैसा कि यहाँ पर हम अपना फोन नंबर डाल देते हैं। फोन नंबर डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ लोडिंग लेने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है। कुछ देर के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली आपके मोबाइल में जो कोड आया है यहाँ पर आपको कोड डाल देना है। जैसा कि यहाँ पर हम अपना OTP डाल दे रहे हैं। OTP डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म पर क्लिक कीजिएगा आपका मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको बैक चले जाना है। बैक आने के बाद एक बार आपको पेज को रिफ्रेश करना है नीचे स्वाइप करके।
जैसे ही स्वाइप कीजिएगा यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दिख जाएगा, जो मोबाइल नंबर अभी आप ऐड किए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि जो मोबाइल नंबर को ऐड किए थे वो मोबाइल नंबर दिख रहा है, और उसके नीचे वो मोबाइल नंबर दिख रहा है जो पहले से ऐड था। तो आपको यहाँ से करना ये है कि जो पहले मोबाइल नंबर ऐड था उस मोबाइल नंबर को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए सिंपली आपको जो पहले नंबर था उसके नीचे आपको रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, आई अंडरस्टैंड आई कुड लॉस एक्सेस टू माई अकाउंट। उसके पीछे आपको एक बॉक्स दिख जाएगा, सिंपली आपको उस बॉक्स को टिक कर देना है, यानी चेक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको नीचे रिमूव नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ से आपको अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड मांगा जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डाल देना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डाल दिए हैं। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको इस रिमूव फोन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फोन नंबर रिमूव हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो फोन नंबर रिमूव हो चुका है, और जिस फोन नंबर को हम ऐड किए थे वो फोन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो फोन नंबर ऐड हो चुका है। इसी तरह से आप भी अपने फेसबुक अकाउंट का कोई भी मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से अपने फेसबुक अकाउंट का मोबाइल नंबर चेंज करना सीख गए होंगे। अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करने में कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमको नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।